जूनियर एनटीआर की मोस्ट अवेटेड मूवी एनटीआर 30 का पोस्टर रिलीज हुआ है और उसके साथ फिल्म का नाम भी रिलीज कर दिया गया है जो कि है दीवारा। और इसमें एनटीआर का लुक कुछ अलग ही दिख रहा है और पोस्टर देखकर लग रहा है कि मूवी बेहद ही खतरनाक होने वाली है। पोस्टर में एनटीआर कोयटा लेके खड़े हुए हैं जिसमें बहुत सारा खून लगा हुआ है, तो मूवी में एक्शन खतरनाक होने वाला है और कहा जा रहा है कि इसकी स्टोरी बेहद ही यूनिक है क्योंकि फिल्म में हमें जूनियर एनटीआर के साथ जाह्नवी कपूर लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं और सैफ अली खान निगेटिव किरदार में देखने को मिलेंगे। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं कोराटाला शिवा। कोराटाला शिवा के साथ जूनियर एनटीआर की ये दूसरी फिल्म है जिससे पहले जनता गैरेज मूवी में पहले काम कर चुके हैं और जल्द ही हमें इस फिल्म का टीजर देखने को मिल जाएगा। आरआरआर के बाद जूनियर एनटीआर की पहली फिल्म होगी जो रिलीज होने जा रही है। आरआरआर के बाद जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ पैन इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग इन्हें जानने लगे हैं और लोग भी इनकी डेबरा फिल्म का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। और इस मूवी को लेकर एक नया अपडेट का पता चला है कि इस मूवी को 5 अप्रैल 2024 को सिनेमा हॉल्स पर रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि लगभग इस मूवी के लिए हमें अभी एक साल का और इंतजार करना पड़ेगा। एनटीआर के फैंस इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसे तो देखकर लग रहा है कि ये मूवी सुपर डुपर हिट होने वाली है क्योंकि पोस्टर तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है और इस मूवी का बजट भी काफी ज्यादा है जो कि 150 करोड़ का है। और मूवी कैसी है और स्टोरी क्या होगी ये तो हमें टीजर और ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जूनियर एनटीआर की मूवी है तो अच्छी ही होगी क्योंकि वो ऐसी वैसी मूवी साइन ही नहीं करते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।